शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैंने नहीं किया, ये खून तुम में से किसी ने किया। तो झूठ बोल रहा है, खूनी तुम दोनों में से। नहीं, खूनी तुम दोनों में से एक है। खून तुमने किया है। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। तू झूठ बोल रहा है। खून तुम दोनों ने किया। जिस पुलिस जीप में प्रिंसिपल द्वारकादास के हत्यारों को ले जाया जा रहा था, दुर्घटनाग्रस्त होकर वो जीप नदी में गिर पड़ी। आशंका है कि जीप में बैठे सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। देखा आपने, इसीलिए मैं आपसे कहा करती थी, इस तरह हमेशा से खुश मत कीजिए। लापता व्यक्ति का पता मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। अरे इतनी रात गए कहाँ जा रही रे? अरे डब्बा कहाँ जा रही है? माजी के यहाँ सुना है मिथुन की मौत की खबर सुनकर उनकी हालत बहुत खराब हो गई है। हालत खराब है? अरे हमारी जिंदगी खराब हो गई। उन छोकरन के खाते हमारी नौकरी चली गई। उन छोकरन के कारण हमको रट में घसीटे गए। और वो तो हम बच गए। अगर फंस गए होते, फांसी चल गए होते, तो कब छोकरा लोग हमको बचाए खातिर आते है? अरे माजी के हन ना जाओ, चलो सो जाओ। अरे जाओ सो जाओ, सो जाओ हम कहते हैं। माजी के यहाँ जाएंगे। अच्छा हुआ ससुरे तीनों एक साथ ही खत्म हो गए। सलाम साहब, कुछ पता चला? उन तीनों का तो कुछ पता नहीं चला सर, लेकिन ड्राइवर और हवलदार जख्मी हालत में पाए गए, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर गया है। ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? हवलदार ने होश में आने पर बताया कि वो तीनों लड़के जीप में ही मारपीट करने लगे थे। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी खड्डे में उतर गई। सारे पुलिस स्टेशन को इतला कर दो और तुम लोग भी चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे यकीन है वो तीनों अभी तक जिंदा है। अच्छा सर। माजी, माजी क्या हुआ? माजी को, माजी क्यों नहीं बोली? जब से बेटे के मरने की खबर सुनी आवाज चल गई। और किसी ने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया? मैं बुलाकर लाती हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर को मैं बुलाकर लाती हूँ। माजी को अच्छा कर दो, माजी को अच्छा कर दो। अरे माजी मिथुन आ गया। क्या है तुझे? माँ बोल, माँ बोल। मैं हाँ माँ बोल, माँ बोल बोल, माँ 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 आप? हाँ मैं। देखो वसंत, मैं यहाँ कुछ मालूम करने आया हूँ और ये बात तुम्हारे सिवा किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए। ये तुम जिंदा हो यही ना? लेकिन कानून? कानून तो अंधा होता है सर, वो सिर्फ सुनता है। और जब तक मैं उसके कान में ये बात न डाल दूं कि मैं बेकसूर हूं, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मुझसे क्या मदद चाहते हो?
सिर्फ ये कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, और साथ ही प्रिंसिपल साहब के कत्ल के बारे में अगर मुझे कुछ बता सकते। प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश। ये प्रकाश कौन है? है नहीं, था वीना का पति, जिसकी मौत मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में इसकी आंखों के सामने हुई और शौक से ये पागल हो गई। जानते हो, उसकी शक्ल हू बहू तुमसे मिलती थी। डॉक्टर होने के नाते मैंने द्वारकादास से तुम्हें मीना के नजदीक ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर वो बेचारा तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट बनाने और घर लाने के सपने ही देखता रह गया। बेचारी मीना, इसीलिए मीना ने कोर्ट में मुझे प्रकाश कहके पुकारा था। यस, यू आर राइट। प्रकाश, सागर, सागर, प्रकाश, मैं आ गया मीना। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। कभी नहीं जाऊंगा मीना, कभी नहीं। प्रकाश, तुम जानते हो जो मोजा मुझे तुम्हें दिया था ना, पता नहीं कहां खो गया। वो काला आदमी, कौन सा काला आदमी? वो काला आदमी, कौन सा काला आदमी? मीना, मीना, कौन सा काला आदमी? मोजा और काला आदमी? मोजा से प्रकाश नहीं दिया था, मोजा से अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। पता नहीं वो मोजा से कहां खो गया। काले आदमी का जिक्र इसकी जबान पर द्वारकादास के कत्ल के बाद आया। मैं समझ गया ये काला आदमी कौन है। मुझे इसे वो जाना होगा, अपनी बेगुनाही की तलाश में। डॉक्टर, मेरी बात का ख्याल रखना। किया है। तुम यहां नहीं आना चाहिए था, तुम जानते हो कि तुम एक मुजरिम हो। लेकिन किसी बेगुनाह को सजा देना कहां का इंसाफ है, कोई कैसे सहेगा? जैसे मैंने सहा। मैं जानता हूं अच्छा, मैंने तुम्हें बहुत ठेस पहुंचाई, बहुत दुख दिया। मैं दोस्ती के नशे में अंधा हो गया था। मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं साबित करके बता दूंगा कि यह खून मैंने नहीं किया है, उन दोनों में से एक ने किया है। कैसे साबित करोगे? जैसे हर खूनी खून करने के बाद अपना निशान छोड़ जाता है, उसी तरह से तुमने भी। और राकेश, उन सबूतों का क्या होगा? कैसे मिटाओगे उन सबूतों को? निशान छोड़ जाता है।
तुम लोग यहाँ? यही सवाल तो मैं भी कर रहा हूँ। मेरा भी यही सवाल है। अगर सबका सवाल यही है तो जवाब क्या है? इस पूछताछ से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे मालूम है खून किसने किया है, तुमने या तुमने। मुझे शक था लेकिन अब यकीन हो गया है, ये काम किसी और ने नहीं सिर्फ तुमने किया। विजय बकवास मत कर, मुझे मालूम है ये खून तुमने किया है। ये क्या कर रहे हो? इस तरह गिरिमा पकड़ने से हमारे दामन पे लगा हुआ दाग नहीं मिटेगा। दाग मिटाए वो जिसे अपने दामन की फिक्र हो। मेरे दामन का दाग मेरी माँ के लिए जहर बन गया। अब वो चल बसी। माँ चल बसी? लेकिन ये कैसे हुआ? ऊपर वाले को किसी को मारने के लिए बहाना चाहिए दोस्त। मेरी मौत के गम ने उसे नहीं मारा, मेरे मिलने की खुशी ने उसे मार डाला। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब किसी गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं? खूनी हम सब में से कोई ना हो, हम लोगों का आज ऐसे मिलना इसका सबसे बड़ा सबूत है। मुझे I think you are right। हर खूनी खून करने के बाद कुछ ना कुछ निशान जरूर छोड़ जाता है। मैं वहां ढूंढता हूं। मैं वहां ये देख, स्टॉकिंग्स। हाँ, पांव में पहनने का, इस पर होठों के निशान है। होठों के निशान, फटा हुआ स्टॉकिंग जिसमें से तंबाकू की महक भी आ रही है। लेकिन हम में से तंबाकू का पान कौन खाता है? कोई नहीं खाता है। फिर कौन है वो जो तंबाकू वाले पान खाता है?